चलो स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैं पर्यावरण के जो है 30-30 क्वेश्चन के आंसर एकदम राइट लेके आया हूँ, और इसको देखिए आप। पहला है जैसे ये पार्ट सी का है, और सी का देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो इसमें आपका आंसर रेखा शर्मा सही आंसर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये भाग 9 में है, पंचायती राज भाग 9 में ही किया गया है। ठीक है, सबसे पहले नागौर जिले राजस्थान है, और उसके बाद में फिर दो अगर एक साथ राज्य पूछता है तो फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। 125 इसमें किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड से होता है, तो इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड सही है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? रूल्स ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव से रिलेटेड जो भी अधिसूचना है वो भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आप इसको देख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, अब वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड वाला सही है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा ये आपको असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये गैंडा के लिए फेमस है। और 131 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका आंसर तीसरा सही है। उत्पाद में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, उपभोक्ता में उसके बाद लगती है, उसके बाद अवघटन में सबसे कम ऊर्जा लगती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो सबसे ज्यादा आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उसके बाद में फिर जो है आपका मीथेन आता है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड सही है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये आप जानते ही हैं, क्लोरोफिल की वजह से जो है पौधे की पत्तियां जो है हरी होती हैं। और 134 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों के काटने से भी जलवायु परिवर्तन होता है, कृषि क्रियाकलाप से भी होता है, जैसे कृषि क्रियाकलाप में भी तमाम चीजें यूज की जाती हैं, जैसे एरोसोल कैन का उपयोग करने से भी जो है जलवायु परिवर्तन होता है, तो इसमें चौथा वाला सही है। यूफॉर्बियेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो आप जान रहे हैं इसमें जियोट्राफा से ही बायोडीजल बनाया जाता है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वास्तविक वनस्पति नाम ओसिमम सेक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी का पत्ता आप जानते हैं चाय में यूज किया जाता है, और इससे जड़ी बूटी भी बनाई जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला सही है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को आप जो है इसको हम कहेंगे अशुद्ध जल कहेंगे। ठीक है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये 2 और 3 दिसंबर की रात में 1984 को मध्य प्रदेश में भोपाल गैस हुआ था त्रासदी, और इसमें जो इसका मालिक था वो पिछले साल मर भी गया है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से 2000 लोगों की लगभग जान गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 140 है देखिए इसका, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए इनको जो है प्राइज दिया जा चुका है, और ये कृषि वैज्ञानिक थे, और जो अंतर्राष्ट्रीय है हरित क्रांति के लिए वो एम नॉर्मन बोरलॉग है, और ये हमारे इंडिया में है कृषि वैज्ञानिक थे,
और इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं? आप जानते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक बच्ची। ये मृतक बच्ची कहा जाता है क्योंकि जो चीजें अपशिष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उनको जो है मृतक बच्ची जो होते हैं वो इसको फिर यूरिया में बदल देते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जल विद्युत ऊर्जा, ये गलत है। इसमें तीसरा वाला सही है, भूतापीय ऊर्जा। हाँ, नेक्स्ट है, सोलह घास कहाँ पाए जाते हैं? तो सोलह घास जो होता है वो पश्चिमी घाट में 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। और नेपाल भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी जो करते हैं वो कोकारे बेलूर में करते हैं, ठीक है। इसका आंसर तीसरा वाला सही है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। पारा देखिए, जो हमारे घर में औरतें होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी पारा पाया जाता है, और पारा से मिनी माता रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए औरतों को जो है सिंदूर कम लगाना चाहिए, और मिनी माता रोग पारा से ही होता है, जिसे मरकरी कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो इसका जो है राइट आंसर है साउथ पोल पर, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव जैसे अर्कटिक है, तो वहां पर ज्यादा जो है ओजोन परत का लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन है 149, इनमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? ये सबको पता है, अच्छा क्वेश्चन है। हीरा लाल जे कानिया जो है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक वो बुक होता है जिसमें जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उनका उसमें नाम नोट कर लिया जाता है। तो विलुप्त जात के करीब जीव जो होते हैं वो रेड डाटा बुक में इनका नाम होता है, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार वर्मा और मैथमेटिक्स साइंस का एक्सपर्ट हूँ, तो आप लोग जो है आंसर मिला लीजिए, ठीक है।